दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान प्राइवेट पार्ट में दर्द होना या दोनों जांघों के बीच में काफी ज्यादा दर्द होना, आपको सोते समय करवट बदलते समय दर्द का एहसास होना, या फिर आप जब वॉशरूम जाती हैं, आप जब पेशाब करती हैं तब आपको दर्द होना, तो इन कंडीशंस में अगर आपको बहुत ज्यादा दर्द होता है चलते बैठते उठते हर समय, आपके दोनों जांघों के बीच में प्राइवेट पार्ट में पैल्विक गर्डल एरिया में काफी ज्यादा पेन होता है, तो ये क्यों होता है और इसको आप कैसे दूर कर सकती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, ये किस महीने से चालू होता है और इसके अलावा आप घरेलू उपचार कौन से करेंगी, कौन सी दवाइयां लेंगी, ये सभी चीजें मैं आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ये वीडियो आपके लिए बेहद लाभप्रद साबित हो सकती है बिकॉज ये पेन मुझे भी हुआ था और ये किस महीने से चालू होता है वो मैं काफी अच्छे से आपको गाइड कर सकती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में पेन होने की समस्या शरीर में कहीं पे भी नहीं होती है। जो भी आपको सिम्टम्स होते हैं प्रेगनेंसी के, वो या तो कमर में होते हैं या फिर हाथ में पैर में होते हैं दर्द की शिकायत, लेकिन प्राइवेट पार्ट में पेन नहीं होता है। जब आप दूसरे महीने तीसरे महीने को क्रॉस कर लेती हैं और उसके बाद आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में जाती हैं, जो कि चौथा पांचवा और छठा महीना होता है, तो इस दौरान आपके बच्चे का आकार बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, बच्चे की मूवमेंट चालू हो जाती है। तो बच्चा अगर ज्यादा एक्टिव है तो आपके पेट में पेन भी ज्यादा होता है कई बार, और कई बार आपको प्राइवेट पार्ट में भी दर्द ज्यादा होता है। इसका दूसरा मुख्य कारण ये होता है कि जब आपके बच्चे का सर जो होता है वो नीचे की तरफ रहता है अगर मूवमेंट करते समय, तो आपको उस दौरान पेन ज्यादा होता है। इसके अलावा तीसरा रीजन होता है कि बढ़ता हुआ गर्भाशय आपके लगातार नीचे पेल्विक मसल्स को फ्लेक्सिबल करते रहता है, उसको स्टेबल बनाता है और साथ ही साथ आपका पेल्विक गर्डल एरिया फैलता है, जिसकी वजह से आपके बच्चे का भार आने की वजह से आपके निचले अंगों में काफी ज्यादा दर्द हो सकता है। ये दर्द आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में स्टार्ट होगा, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और दोस्तों ये दर्द धीरे धीरे आपके लास्ट के कुछ महीनों में आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है। इवन ये इतना ज्यादा आपको परेशान कर सकता है कि आप करवट बदलते समय भी बहुत ज्यादा डर जाएंगी बिकॉज ये दर्द काफी ज्यादा तेज होता है। और ये उस समय इसलिए ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि बच्चे का जो सर होता है वो नीचे की तरफ आ जाता है और पैर ऊपर की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि आपकी डिलीवरी का समय नजदीक आ रहा है। इसलिए जब बच्चा हेड डाउन पोजिशन करता है तो आपके प्राइवेट पार्ट पे और भी ज्यादा प्रेशर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से आपको बहुत तेज तीव्र दर्द का एहसास हो सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपका वजन ज्यादा है, आपके पेट पे चर्बी काफी ज्यादा थी प्रेगनेंसी कंसीव करते समय, तो ये दर्द आपको ज्यादा होगा। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आप काफी समय तक खड़े होकर काम करती हैं या फिर घरेलू काम काफी ज्यादा हार्ड वर्क करती हैं, बैठकर जैसे कि कपड़े धोने का काम हो गया या फिर भारी सामान उठाने का काम हुआ, तो इस तरीके का काम आपको कभी भी जब आपको पेल्विक मसल्स पेन होने लग जाए तो नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से ये दर्द और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आप सोने की पोजीशन सही नहीं रखती हैं तो ये दर्द बढ़ जाएगा, क्योंकि कहा जाता है अगर आप डॉक्टर्स की माने तो आपको ऑलवेज हमेशा लेफ्ट साइड ही करवट लेकर के सोने का ज्यादा ट्राई करना चाहिए। आप नैप के दौरान अपनी पोजीशन चेंज कर सकती हैं, लेकिन वो सर्टेन टाइम के लिए होना चाहिए, बहुत अधिक लंबे समय के लिए आपको करवट लेकर के ही सोना चाहिए। पीठ के बल या कमर के बल या फिर आपको पेट के बल नहीं सोना चाहिए। तो आप करवट लेकर के आराम से तकिया लगाकर सो सकती हैं। बैठने की पोजीशन भी सही रखिए, क्योंकि आपके पैर जो हैं वो भी कई बार आपको दर्द ज्यादा बढ़ा दे सकते हैं, जैसे कि पैर पे पैर चढ़ा के आपको नहीं बैठना चाहिए, आपको तुरंत झटके से बैठना नहीं है, झुकना नहीं है। ये सब काम जब आपको पेल्विक मसल्स में पेन होने लगे तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको कुछ एक्सरसाइजेस करने चाहिए, जैसे कि आप बटरफ्लाई पोजिशन में आसन कर सकती हैं, इसके अलावा आप प्राणायाम कर सकती हैं, इसके अलावा फ्रेंड्स आप जो है डॉक्टर के परामर्श पे कुछ ऐसे स्पेशल एक्सरसाइजेस होते हैं जो प्रेगनेंसी में ही गाइड किए जाते हैं, तो वो आपको डॉक्टर पूरी चार्ट देंगे अगर आप उनसे कंसल्ट करेंगी तो उस विहार पे आप वो सारी एक्सरसाइजेस भी डॉक्टर के गाइडेंस में कर सकती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप टहलना ना भूलें, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन अगर अच्छे से शरीर में होता रहता है तो दर्द वैसे भी कम रहता है।
इसके अलावा पानी की इंटेक्ट अच्छे से लीजिए, पानी की मात्रा भी कम होगी तो दर्द ज्यादा होगा, इसलिए पानी अच्छे से पीना प्रेगनेंसी में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, कई बार ऐसा भी होता है कि आपके निचले अंगों में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से जो डिस्चार्ज आता है वो काफी ज्यादा गंध वाला हो जाता है, बहुत ज्यादा उसमें स्मेल होती है। इसके अलावा उसका कलर बदल जाता है, आपको खुजली की समस्या होती है, जलन की समस्या होती है। तो अगर दर्द के साथ इस प्रकार के कुछ आपको और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है तो तुरंत डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि इस कंडीशन में आपको दवाइयां लेनी पड़ेगी जिससे कि इन्फेक्शन खत्म होगा, नहीं तो वो इन्फेक्शन इंटरनल तक पहुंच जाएगा और फिर बच्चे को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए कई बार इन्फेक्शन के कंडीशन में भी दर्द होता है तो आप इसे अपने आप से पहचान सकते हो, क्योंकि नॉर्मली दर्द के साथ कभी भी आपको ज्यादा डिस्चार्ज आना या बहुत बदबूदार डिस्चार्ज आना या फिर उसका कलर बदल जाना ऐसा नहीं होता है जनरली, या फिर जलन या सूजन या फिर इचिंग की प्रॉब्लम यानी खुजली की परेशानी नहीं होती है। तो आई रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए बेहद हेल्पफुल थी। अगर आपको पसंद आई है तो आप प्लीज शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मैं फिर से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आप अपना पूरा ध्यान रखिए गाइस, टेक केयर। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।